Hello everyone, welcome to our virtual space. This is Kunal, I'm BBA student in IMS BHU. We are in 2020 and New Year resolution. Literally, we need a date, a year to start for a resolution. Yaar, ye resolution ka na Hindi word sankalp, sunke na maja sa aa gaya tha, sankalp. Aur hame ek date chahiye. मुझे लगता है हमारे लाइफ का एक पॉइंट चाहिए, एक इवेंट चाहिए रिजोल्यूशन के लिए, ना कि डेट. कोई नहीं, अच्छा है जिनके पास वो इवेंट नहीं है उसके लिए डेट सही है ये रिजोल्यूशंस के लिए. चलो उस पार्ट में मैं लिखा हूँ एक ब्रॉडर सेंस में रिजोल्यूशंस के, और इस पार्ट में मैं थोड़ा स्पेसिफिक किया हूँ. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट. एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी क्रूशियल, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ को एक अच्छी तरह से गाइड करने के लिए, एक अच्छी तरह से रन करने के लिए. पर्सनल डेवलपमेंट. पर्सनल डेवलपमेंट इट मीन्स लाइक आप क्या कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में ग्रो कर पाओ, आप अपने लाइफ में नए स्किल्स ऐड कर पाओ, और हर टाइम डे बाय डे आई मीन आप बेटर होते जाओ. दैट इज हेल्थ. यार हेल्थ, इफ यू आर नॉट डिजीज्ड, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है ना, तो आप समझते हो ये पॉइंट है ही नहीं फोकस करने के लिए. बट मुझे लगता है कि आपको एक्टिवली डेली रेगुलेट करना है कि आप किस तरह के खाना खाते हो, किस तरह के लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, किस टाइप के लोगों से बात करते हो. क्योंकि हेल्थ में सोशल भी हेल्थ आते हैं, मेंटल भी हेल्थ आते हैं, और वो जो डिजीज आते हैं वो सब. नाउ कमिंग टू टाइम, अगेन वी हैव टॉक्ड कि टाइम मैनेजमेंट क्या है, कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में. ये टाइम जो है हमारे पास लिमिटेड है, 24 आवर्स हैं सभी के लिए, और उसी को जो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके, जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस काम में डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको करके लोग, बहुत लोग बेटर कर जाते हैं, और बहुत लोग जहाँ यहाँ पर लैक कर जाते हैं वो पीछे रह जाते हैं. टाइम अपने पेरेंट्स को देना बहुत इम्पॉर्टेंट है, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आजकल का जो कल्चर हो गया है कि हमेशा घर पे टाइम ना दे पाना, अपने काम पे स्टिक करके रहना, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पर्सनल डेवलपमेंट को बहुत स्लो कर देता है. ये जो चिल्ड्रन को टाइम देना, फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत बिजी हो अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हो, जिसके कारण वो डेवलप नहीं कर पाते हैं अच्छे से, तो उनको भी टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, फॉर एग्जांपल फॉर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, तो उनको भी एक जुडिशियल टाइम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो भी एक आपके लाइफ की स्टेबिलिटी को बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं. प्रोफेशनल डेवलपमेंट. प्रोफेशनली आप प्लान कर सकते हो इथिकल तरीके से, उसको एफर्ट दे करके, जुडिशियल टाइम की, हाँ आपको इस डेवलपमेंट के लिए कितना फोकस देना है, कितना एनर्जी देना है, कितना टाइम देना है, ताकि आप दूसरे सारे चीज़ को बैलेंस कर पाओ. ठीक है, जैसे कि क्योंकि ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके इनकम का, जो कि अपने आपके लाइफ को बहुत स्टेबल रखती है, तो ये डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. टूवर्ड्स फिनेंशियल फ्रीडम. एक्चुअली देर इज़ अ टर्म कॉल्ड नीड एंड वॉन्ट. ओके, इफ यू हैव इनफ मनी टू सेटिस्फाई योर नीड, यू आर फिनेंशियली फ्री, एंड फॉर वॉन्ट देर इज़ नो लिमिट. सो चॉइस इज योर्स. फॉर फिनेंशियल फ्रीडम, इफ़ यू आर एबल टू सेटिस्फाई योर नीड, दैट्स ग्रेट. एंड देर आर सो मेनी वीडियोज एंड बुक्स विच विल गाइड यू टूवर्ड्स दिस फिनेंशियल फ्रीडम. इट्स अ हैबिट, इट्स अ माइंड सेट. स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी से मेरा ये मतलब नहीं है कि कोई रिलीजियस बिलीफ को आप फॉलो कर रहे हो, ये बहुत डीप है. जितना सिंपल वर्ड दिखता है उससे ज़्यादा डीप है. एक्चुअली मैं भी इसे लर्न करना चाह रहा हूँ, और मैं कुछ वीडियोस भी देख रहा हूँ इससे, और कुछ लोगों से बात भी करता हूँ स्पिरिचुअलिटी पे कि ये है क्या, मुझे भी ये जानना है, आप भी जानो, बहुत अच्छा चीज़ है. नाउ कमिंग टू इंट्रोस्पेक्शन. अपने अंदर जा कर के खुद को झांकना एक अलग नज़रिए से, एक विंडो से, कि आप क्या करते हो, आपका एक्शन क्या है, आपका मोटिवेशन क्या है, आप जो प्लानिंग कर पा रहे हो उसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो या नहीं. ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन भी एक अपने आप में बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा फील्ड है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो. और जो इंट्रोस्पेक्शन होना चाहिए बहुत रेशनल होना चाहिए, क्योंकि आप खुद को देख रहे हो, खुद के एक अलग नज़रिए से ट्राई कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका बायस्ड होना बहुत लॉजिकल है, आई मीन बहुत नेचुरल भी है.
तो रैशनल होने की कोशिश करना आप, और ये रेगुलर करना, ऐसा नहीं कि कुछ दिन किए क्योंकि न्यू ईयर रिजोल्यूशंस का पार्ट था और उसके बाद भूल गए, कोई बात नहीं, आप भूल गए तो फिर से रिस्टार्ट कर लेना, बट ट्राई करना ज़्यादा स्पेस ना देने का। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट, एंड दिस ऑल रिजोल्यूशंस आर वेरी स्पेसिफिक, लाइक गेटिंग अप अर्ली। एक्चुअली मैं पिछले बहुत साल से ट्राई कर रहा हूँ कि मैं पहले उठ जाऊँ, बट अभी तक तो मैं नहीं कर पाया, हमेशा मम्मी का कॉल आता है तभी मैं उठ पाता हूँ, या फिर अलार्म क्लॉक को स्नूज करते करते जब तक एक क्रिटिकल टाइम नहीं आ जाता। बट हाँ, इस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपना न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया होना, तो इस टाइम आई विल ट्राई कि एज आई एम अनाउंसिंग दिस सोशली, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस पार्ट को फॉलो करना, इट्स ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेटिंग अप अर्ली, बिकॉज जैसे ही आप सुबह उठते हो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है लाइफ में करने को, और आपका लाइफ बहुत एक्टिव रहता है और आपके पास बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, क्योंकि आप सुबह उठते हो स्ट्रेस्ड नहीं रहते हो, ठीक है, आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरह से, अपने इमोशनल स्टेट को, अपने वर्क कल्चर को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हो। एक्सरसाइज डेली, कुछ बोलना नहीं है यार, बहुत ऑब्वियस है आपको डेली एक्सरसाइज का क्या एडवांटेजेस है, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा किस तरह से आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को ये स्टेबलाइज करता है, ठीक है, और आपको फिट रखता है। एंडोर्फिन्स जो हॉर्मोन्स हैं वो आपको गुड फील कराते हैं, आपको दूसरे का जरूरत नहीं होता आपको अप्रिसिएशन देकर के आपको बेटर फील करा है, किसी का अप्रूवल का जरूरत नहीं होता, यू आर गेटिंग अप अर्ली, यू आर फिट, यू आर जस्ट गुड इन योर लाइफ। सनसेट एंड सनराइज, इससे मैं अपने स्कूल डेज में चले जाता हूँ, क्योंकि मैं पहले सनसेट और सनराइज को एंजॉय करता था अपने फ्रेंड के साथ या फिर कभी कभी अकेले ही। यार ये बहुत मस्त तरीका है मेडिटेशन का, आई मीन जब आप सनसेट कर देख इन्जॉय करते हो ना या फिर सनराइज़, तो आप बैठो और देखो किस तरह से सन ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है, किस तरह से कलर्स चेंज हो रहे हैं, कभी कभी ओकेजनली कुछ बर्ड्स क्रॉस करते हैं, उसका भी एक मस्त नज़ारा होता है, तो आप ट्राई करना, प्लीज़ ट्राई करना, मज़ा आएगा। उसके बाद क्रिएटिव हॉबीज़, हॉबीज़ मेरा क्रिएटिव बोलने का ये सेंस है, ताकि वो आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करे और आपके जो कॉर्टिकल प्लास्टिसिटी है उसको रिट्रेन रखे, और उसे आप कुछ नया एड ऑन कर पाओ अपने लाइफ में। दैट आई मीन कि क्रिएटिव हॉबीज़ का क्या फ़र्क पड़ सकता है आपके लाइफ में। न्यू गेम्स, हाँ एक्चुअली मेरे यहाँ पे कहने का मतलब था कि न्यू गेम्स का है, आप कुछ नया सीखो, अगर आप नहीं खेलते हो तो नया सीखो, और खेलते हो तो उसे कंटिन्यू करो और उसके स्किल्स को डेवलप करो। फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ कि बास्केटबॉल मैं अभी भी खेलता हूँ ठीक से, और मैं हॉकी ड्रॉप कर लिया, बट मुझे जो नए गेम्स सीखने हैं, फॉर एग्जांपल टेबल टेनिस मैं ठीक से सीख रहा हूँ, और मेरे जो लिस्ट में है वह है स्क्वैश जो मैं सीखना चाहता हूँ, स्केटिंग भी सीखना चाहता हूँ जो मैं अभी नहीं कर पा रहा हूँ ड्यू टू माई एंकल इंजरी, दैट्स पर्सनल। एंड कमिंग टू मोबाइल गेमिंग, इट्स अ कंप्लीट हैक मोबाइल गेमिंग, यार हमारे पर्सनल लाइफ को इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है, इतना ज़्यादा हमारे पर्सनल टाइम को किल करता है ना, कि हम दूसरे काम से फोकस छीन सा जाता है, और इतना ज़्यादा अमाउंट में ये डोपामिन रिलीज़ करता है कि हमें इतना ज़्यादा बेटर, आई मीन और आजकल जो वीडियो गेम है इतने ज़्यादा इंटरेक्टिव है ना, कि आपको अटैच रखता है उससे, ठीक है, और आप अपने पैसे भी उस पर लगाने लगते हो, और ये 2020 का इतना बड़ा गेम है ना, इतना मास्टरमाइंड मार्केटिंग है कि यू कॉन्ट इमेजिन, आई मीन आपको इसमें ट्रैप होना ही होना है। तो आई एडवाइस यू, प्लीज़ कम आउट ऑफ इट एंड सेव योर सेल्फ, सेव योर लाइफ एंड सेव योर टाइम, बिकॉज टाइम इज़ मनी एंड यू नीड नॉट टू स्पेंड ऑन दिस ऑल थिंग्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंजॉयमेंट। सेव मनी, एक्चुअली ये बहुत मस्त सा चीज़ है, अपने मनी को कैसे सेव करना है, ये आर्ट है, कम्प्लीटली आर्ट है, इट्स नॉट साइंस, इट्स कम्प्लीटली आर्ट, और आपको जब पता चल जाएगा ना नीड और वांट में क्या डिफरेंस है, जब आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरत है और क्या चीज़ आप चाहते हो बट उसे स्टॉप कर सकते हो, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि पैसा कैसे सेव करना है। और स्पेशली फॉर गर्ल्स, अगर आपको लगता है कि आपको एक नया चीज़ ट्राई करना है, नए कपड़े ट्राई करने हैं, ठीक है, बट आप थोड़ी देर रुक जाओ, इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि अगर आप 72 आवर्स रुकते हो और फिर भी अगर वो अर्ज है कि हाँ आपको करना है, देन देर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यू रियली नीड दैट, देन गो फॉर इट, अदरवाइज ड्रॉप इट।
नाउ कमिंग टू बाइसाइकिल, यार इट्स रियली इम्पॉर्टेंट. आई मीन आजकल हमारा जो लाइफ इतना बिजी होता है, हमारी जो वर्क कल्चर है, तो उसमें अगर हमारी जो ऑफिस है या फिर हमारा कॉलेज है या फिर जो ग्रॉसरी स्टोर है बहुत नज़दीक है ना, तो प्लीज़ गो देयर विथ बाइसाइकिल. ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके हेल्थ के लिए भी और इन्वायरमेंट के लिए भी. यू नो वॉट आई मीन, कि फ्यूल फॉसिल फ्यूल कम खर्च होंगे, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन कम होगा, बिकॉज वी आर रियली फेसिंग दैट प्रॉब्लम. रीडिंग हैबिट, one of the best thing you can adopt, I let me tell you, because most of the billionaires and millionaires, they have that habit. Let me give you an example, Bill Gates और इनका Warren Buffett का. ये लोग के पास एक time devoted होता है कि हाँ इस time में इनको पढ़ाई करना है, ठीक है, और ये अपने आप को अभी भी self culture करते रहते हैं और develop करते रहते हैं. आप Elon Musk को देख लो, बचपन से ही बंदे ने इतनी ज़्यादा books को exhaustively पढ़ाई करा. और सबसे फन फैक्ट है ना कि रॉकेट साइंस को उसने पढ़ करके और अपना स्पेसएक्स खड़ा कर दिया. इट वाज रियली अमेजिंग. तो आई विल सजेस्ट यू कि जिसमें आपको इंटरेस्ट है, फॉर एग्जांपल किसी का ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो, सेल्फ कल्चर बुक पढ़ो, बिजनेस बुक पढ़ो, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, तो ये सारी चीज़ें आप डेवलप करोगे खुद को. रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम, या ऐसे ऐसे मोबाइल पे देख करके वला 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 करते रहना, दिन भर बिजी रहना, एंटरटेनमेंट सोर्स को देखना और उसी में मस्ती करते करते अपना पूरा टाइम किल कर लेना, इट्स रियली बैड. और एक और जो अभी नया ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि जो गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करो, ठीक है, आप बात कर लो, ठीक है, और 2 या 3 मंथ में, 2 या 3 बार, 2-3 महीने में एक बार आप मिल लो, तो दैट विल एस्टैब्लिश मोर इंटीमेट रिलेशनशिप एज कम्पेयर टू जस्ट चैटिंग ऑन फोन. दैट गोना डिस्ट्रॉय, आई मीन आपका टाइम भी किल हो रहा है, रिलेशनशिप भी किल हो रहा है, ठीक है, तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया. स्मोकिंग एंड अल्कोहल, क्या बोले मैं इस पर, यू नो अगर आप करते हो तो यू नो इट्स बैड. एंड स्टॉप गिविंग एक्सक्यूज कि मेरी वर्क कल्चर ऐसी है, आई मीन मेरे पीयर प्रेशर के कारण, या फिर मेरा स्ट्रेस हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए मैं पीना स्टार्ट कर दिया. दिस ऑल थिंग्स आर एक्सक्यूजेस, जस्ट स्टॉप गिविंग दैट. एंड आप छोड़ने का कोशिश करो, और अचानक से मत छोड़ना वरना फिर से आप यहीं पर आओगे, ठीक है. किसी हेल्थ केयर हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास जाओ और उनके गाइडेंस में आप छोड़ना, ठीक है, दैट विल बी बेटर. जंक फूड, I also want to leave this, but I'm trying to. Just you can't leave, but it will be better to minimize. And I challenge you. It's really great if you can leave that junk food wala thing. And understanding money, it's really a serious issue, because most of the thing in our life is guided by money, right? Our personal choice, our work choice. I mean, ki. हम कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि हम कितना मनी मेक कमाना चाहते हैं, ठीक है. तो इसके लिए है कि आप पैसे को समझो कि ये है क्या, ये पैसा है क्या. मैं तो बोलूँगा सिंपल टर्म में, इट्स अ जस्ट टूल. जिस तरह से आप ब्रश करते हो दांत को साफ करने के लिए, उस तरह से यह मनी है आपके बाकी सारे काम को हेल्प करने के लिए, ठीक है. तो ये कुछ बड़ा नहीं है, बट हाँ ये बहुत डीप है, आप समझना. मैं भी समझ रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, ये चीज़ आपके लिए भी बहुत बेटर होगा. Programming language, it's a really coolest thing nowadays. I'll say you must try. I'm not telling that you go into it and be a programmer, but yeah, at least you should understand ki haan ye hai kya. Programming language seekhne se na fayda ye hota hai ki jaise main bhi seekh raha hu python, to isse fayda hota hai na ki aapka logical approach badhta hai, theek hai. Aap logically soch pate ho cheeze kaise function kar rahi hain. Because we are surrounded by digital stuffs and it's very important to know ki ye function kaise kar raha hai, right? Now coming to justice to nature. Bhai senti nahi ho raha main, but it's really important. It's really important because hum bicycle use kare, theek hai, hum kam kapde, ek jo minimalistic approach aajkal jo bahut trend mein hai na, hum usko opt kare, ye bahut important hai ki hum नेचर पे कम से कम प्रेशर डाल पाएँ, ताकि हमारे एक्टिविटी के कारण, बिकॉज पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, नेचर पे इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके. वाटर सेव करना, मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाए भी हूँ वाटर सेव करने पर, आप चेक कर सकते हो. नाउ डिस्कसिंग माई पर्सनल रेजोल्यूशंस, एज आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट, तो आई रियली वॉन्टेड टू इम्प्रूव माई ग्रेड्स.
So I'm really working on that. I'm interested in microeconomics, so I'm going through an online course of MIT. Okay. And I also wanted to learn programming, so I'm doing that. I wanted to develop so many hobbies. So for example, boating and skating and table tennis, and I play basketball. Yeah, I'm doing that. So these all things are my hobbies. Now I want to type fast because while editing, I really need to toil hard and toil for longer time. So I want to learn that. See, there are so many hobbies, my resolutions, which I'm not discussing because वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है? Now concluding these all things कि जरूरी नहीं है आप सारी चीज़ फॉलो करो, ठीक है? जरूरी नहीं है, बट हाँ आप छोटा सा स्टेप जरूर लेना, ठीक है? और आप ट्राई करना अपने लाइफ में एक चेंज लाने का, और रिजोल्यूशन न्यू ईयर जरूरी नहीं है, न्यू ईयर पे ही रिजोल्यूशन लो, आप साल के कभी भी ले सकते हो, क्योंकि रिजोल्यूशंस ना संकल्प, हिंदी में नॉर्मल समझे तो संकल्प आप कभी भी ले सकते हो। लाइफ में कोई भी इवेंट हुआ हो जिसके कारण आप बैड फील किए हो या फिर इलिवेटेड फील किए हो और आपको रिजोल्यूशन लेना है, आप ले सकते हो, ठीक है? और ट्राई करना, अगर छूट जाए बीच में फिर से वापस आ जाना, ठीक है? और ये चीज़ करते रहना ताकि आपके लाइफ में एक मेजर चेंज आ पाएगा। और दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है? और अगर आप यहाँ पे नए हो तो मैं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, ताकि मैं ऐसा वीडियो बना पाऊँ और मैं भी खुद इम्प्रूव कर पाऊँ यूट्यूब पे और अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। एंड आल से जो भी आपको समझ में आए वो नीचे कमेंट में करना कि आप क्या रिजोल्यूशंस लेते हो, बिकॉज़ यू नो आप सोशली कोई चीज़ बताना कि हाँ ये मैं रिजोल्यूशन ले रहा हूँ ना, तो पीपल विल हैव आई ऑन यू, तो आप उस पर वर्क कर पाओगे, ठीक है? और आपके लिए बेटर होगा। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट आपको क्या अच्छा लगा, ठीक है? एंड बाय।